मध्य रात्रि का समय, ट्रांसवाल क्षेत्र 1893, सन्नाटे को चीरती हुई एक रेलगाड़ी पीटर मैरिसबर्ग स्टेशन की ओर तेजी से बढ़ती जा रही है। इस ट्रेन में एक ऐसा भी यात्री यात्रा कर रहा था जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को उखाड़ कर फेंक दिया और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई केवल अहिंसा का पालन करके। इस महान पुरुष का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म पश्चिमी भारत के वर्तमान गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता करमचंद और माता पुतलीबाई थी। 1883 में जब वे 13 वर्ष के हुए तो उनका विवाह 14 वर्ष की कस्तूरबा माखन के साथ कर दिया गया। गांधी जी की शुरुआती शिक्षा गुजरात में हुई और आगे की पढ़ाई के लिए वे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से बैरिस्टर बनकर आए। गांधी जी का संबंध साउथ अफ्रीका से तब से शुरू हुआ जब उनको अफ्रीका के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला के निमंत्रण पर साउथ अफ्रीका से पिटोरिया बुलाया गया। इसी ट्रेन के सफ़र में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे उनके आत्मसम्मान को एक बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा तुम यहाँ कितने दिनों से हो? जी मैं यहाँ जन्म से हूँ। क्या तुमने कभी नरक के बारे में सोचा है? नरक नहीं। नहीं मैंने भी नहीं, मगर ये जो किताब जिसने लिखी है ना, वो एक ईसाई है और कहता है कि हाँ अगर विश्वास करना है तो। माफ करिएगा सर, आप यहाँ पे कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते से। क्यों सर, ये आपको टिकट कहाँ से मिला? तुम यहाँ कैसे? क्यों, मेरे पास टिकट है, फर्स्ट क्लास टिकट। तुमको यह टिकट कहाँ से मिला? मैं एक वकील हूँ, मैंने इसे डब से मंगवाया क्योंकि मेरे पास समय। साउथ अफ्रीका में कोई काला वकील नहीं है, जाओ तुम यहाँ से थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में। सर मैं आपका सामान। एक मिनट, ये रहा मेरा कार्ड, मोहनदास के गांधी अटर्नी एट लॉ। मैं एक भारतीय कंपनी के लीगल केस के सिलसिले में पिटोरिया जा रहा हूँ। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम यहाँ से निकलो और बाहर जाओ। तुम्हें समझ में नहीं आता? थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में जाओ अभी। तुमको मैंने बोला ना, तुम यहाँ से उठो और पीछे थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। सर मैंने लंदन से वकालत किया है और मेंबर हूँ हाई कोर्ट चांदनी का, इसीलिए वकालत कर रहा हूँ। क्योंकि आपकी नज़र में मैं एक काला आदमी हूँ, इसीलिए अब हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में एक काला वकील आ चुका है। काला वकील साउथ अफ्रीका में नहीं है, तुम्हें बाहर निकलना है। बगजात कमीने, फेंक दो इसे बाहर। देखिए सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं हमेशा फर्स्ट क्लास में यात्रा किया मैंने। आपके साथ ऐसा ही होगा और आपको बाहर निकलना होगा, निकल जाइए। नहीं समझ में आई मेरी बात? गांधी जी के आत्मसम्मान को जब ये चोट पहुंची उन्होंने एक संकल्प लिया। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में टूट जाए जो वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखिए, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इस संकल्प के साथ भेदभाव के खिलाफ गांधी जी ने संघर्ष आरंभ किया और इस कार्य के लिए उन्होंने एक संगठन तैयार किया जिसमें भारतीय और विदेशी दोनों ही शामिल थे। इसमें उनकी पत्नी कस्तूरबा भी शामिल थी। 1904 में डरबन के पास एक फिनिक्स नामक आश्रम उन्होंने स्थापित किया जिसमें कोई भेदभाव नहीं था, सबको अपनी बारी आने पर कार्य करना पड़ता था।